मान लीजिए एक स्कूल के अंदर 200 छात्र हैं और टीचर्स ने एक रजिस्टर बनाया कि उनके पास पॉकेट मनी कितने रुपए हैं। तो पहले छात्र के पास जैसे कि 100 रुपये थे, दूसरे के पास 50, तीसरे के पास 300, इसे कुल मिला के 200 छात्रों के ऑब्जर्वेशन एक रजिस्टर में रिकॉर्ड किए गए और फिर इन सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन किया गया। तो मान लीजिए टोटल जो भी मिला उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज, और ये एवरेज मिला 50। लेकिन बाद में पता चला कि इस रजिस्टर में नंबर्स रिकॉर्ड करते वक्त कुछ गलती हो गई है कि एक छात्र के पास 192 रुपीज़ थे लेकिन गलती से रिकॉर्ड किया गया कि केवल 92 रुपीज़ हैं। उसी प्रकार एक छात्र के पास 88 रुपीज़ थे लेकिन गलती से ये रिकॉर्ड किया गया कि केवल 8 रुपीज़ हैं। तो अब माने कि एवरेज जो निकाला वो गलत निकाला, तो इसे करेक्ट कैसे करें? तो जो सही ऑब्जर्वेशन है उन्हें प्लस कीजिए, जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसे माइनस कीजिए। अब इस पूरे फॉर्मूला का जवाब निकालिए। तो ये होगा 192 माइनस 92 यानी 100, प्लस 88 माइनस 8 यानी कि 80। तो ये निकला 180, यानी कि 180 रुपये ज़्यादा निकले। इन 180 रुपये को वापस उन्हीं 200 छात्रों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या करना होगा? डिवाइड बाय 200। 180 डिवाइडेड बाय 200, 0 0 कट, 2 टाइम्स 9 इज 18, यानी कि 9 बाय 10, इसका मतलब कि 0.9। ये जो भी जवाब आया हमारे केस में, यहाँ प्लस 0.9 आया, उसे रॉन्ग वाले एवरेज में डाल दीजिए। तो ये होगा 50.9, ये वाला करेक्ट एवरेज है। जब ये वाला सवाल एमसीक्यू में पूछा जाए तो हम सीधा शॉर्टकट यूज़ करके जवाब टिक कर देंगे, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा जाए तो हमें मेथड दिखानी होगी। तो जब मेथड से करना हो यही एग्जांपल तो कैसे होगा? देखिए, एवरेज उन्होंने दिया है 50 और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं 200। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स हमको पता नहीं है, एन 200, एक्स बार इज 50। तो ये 200 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 200 टाइम्स 50 होगा 10,000, यानी कि सिग्मा एक्स है 10,000। अब इसमें से सही वाले ऑब्जर्वेशन ऐड कीजिए और गलत वाले ऑब्जर्वेशन निकाल दीजिए। सही वाले थे 192, सही वाला दूसरा ऑब्जर्वेशन था 88, गलत वाला ऑब्जर्वेशन था एक था 92 और दूसरा था 8। जो गलत वाले हैं उन्हें माइनस करना है, जो सही वाले हैं उन्हें प्लस करना है। तो अब इस पूरे कॉलम का जवाब क्या होगा? ये होगा 10180, ये सही करेक्ट सिग्मा एक्स है। अब करेक्ट एवरेज फाइंड करने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो करेक्ट सिग्मा एक्स है 10180 डिवाइडेड बाय ये हमारा एन, तो ये आएगा 50.9, यानी कि करेक्ट एवरेज है 50.9।